हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आज पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है और इसका कारण है शिमला के सजोली में अवैध रूप से बनी एक मस्जिद। कुछ दिन पहले जब इस मस्जिद के निर्माण पर विधानसभा में मुद्दा उठा तो उसके दूसरे ही दिन सड़कों पर बवाल हो गया। हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग मस्जिद को हटाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने भी माना कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें जो हैं वो अवैध रूप से बनाई गई हैं, जिसके बाद आज शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण के विरोध में हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग रैली निकाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आशंका है कि यह प्रदर्शन उग्र हो सकता है, इसलिए वहां धारा 163 लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सजोली इलाके में दंगा नियंत्रक वाहन भी मौजूद कर दिए गए हैं, उन्हें वहां पर बुलाए गए हैं। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, आइए आपको पहले से समझाते हैं। तो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में इस मस्जिद को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सजोली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं और वहां पर लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पहले यह मस्जिद एक मंजिला थी, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बना दी गई और अब 5 मंजिल की मस्जिद बन गई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में अगले ही दिन सड़कों पर लोग उतर आए, हिंदूवादी संगठन उतर आए, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और इस मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा और आज हिंदू संगठन मस्जिद पर बड़े एक्शन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त शिमला के सजोली इलाके में प्रदेश की सभी 6 बटालियनें तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये विवाद जब शुरू हुआ था तब वक्फ बोर्ड की ओर से भी बयान आया था। वक्फ बोर्ड ने उस वक्त कहा था कि वह जमीन उनकी है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं वो किसने बनाई हैं। वहीं दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि शिमला में इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम संगठनों में ही आपस में विवाद चल रहा है। हालांकि यह विवाद क्या है ये खुलकर सामने तो नहीं आया है, लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब इस प्रदर्शन में क्या कुछ होता है वो अपडेट भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए india.com।